So guys, ये अब पहली नजर हमारी पड़ने वाली है। आज हो रहा है दिल्ली में मौसम बहुत ज्यादा अच्छा, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तेज वाली। बेटा था यानी एम्परर अकबर, हाँ जी, बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था अपने वालिद की याद में, ठीक है। Okay. ये किसी लेडीज की कब्र लग रही है मुझे, और इसकी सिर्फ एक ही पहचान है, ये कोई गुफा है जिसको बंद कर दिया गया है काफी टाइम से, और हम खड़े हुए हैं इस वक्त हुमायूं की कब्र के पास। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। तो गाइज, आज हो रहा है दिल्ली में मौसम बहुत ज्यादा अच्छा, तो हम जा रहे हैं मकबरा, हुमायूं का मकबरा। आज से पहले कभी गए भी नहीं है, और आज संडे है तो जाने का बहुत ज्यादा दिल था, तो आज हम लोग जा रहे हैं मकबरा। बारिश स्टार्ट हो गई है स्लो स्लो, बारिश में घूमने का तो एक अलग ही मजा होता है, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश रुक जाएगी तो हम जाएंगे अंदर के लिए। तो अभी हम लोग पार्किंग में है, गाड़ी लेने के लिए आए हुए हैं, तो चलो फिर चलते हैं। फाइनली गाइस, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी अपनी, और अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। ये पार्किंग है हमारी निज़ामुद्दीन की, निज़ामुद्दीन जो दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन, उसकी ये पार्किंग है, और यहाँ पर आज संडे की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है देखो आप। तो गाड़ी अभी हमने अपनी यहाँ लगा दी है, और अभी हम जा रहे हैं मकबरे की तरफ, यहाँ से पैदल जाएंगे। और बारिश की वजह से ये देखो आप, पानी सब में भरा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कींच हो रखी है। तो अभी हम चलते हैं मकबरे की तरफ पैदल पैदल। तो अभी रास्ते में बारिश हो रही थी, और अभी बारिश रुक गई है, उसकी वजह से पानी देखो आप बिल्कुल तालाब सा बन गया है इधर। और आज संडे है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है इधर। कुछ भी बोलो भाई, मौसम देखते ही देखते घूमने वाला मौसम बन गया, और ये अच्छा हुआ कि सही वक्त से बारिश रुक गई, तो अब ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी दिल्ली में। अभी थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया है घूमने वाला। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये लिखा हुआ हुमायूं का मकबरा, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है आज संडे के दिन, और यहाँ से हमें टिकट लेना होगा, ये टिकट मिलेगा यहाँ से हमको। तो अभी ये टोकन मिला है हमको इसका, और ये 40 रुपये का टिकट है अंदर के लिए। सुबह आओ शाम में निकलो, कितनी भी देर रहो, कोई मतलब कोई मसला नहीं है। इंडियंस के लिए 40 रुपये का, और फॉरेनर के लिए है 600 रुपये का टिकट भाई। इधर से होगी हमारी एंट्री, ये टोकन डालेंगे इसके अंदर, तब जाके हमको मिलेगा। तो भाई साहब, ये जो हमारे साथ है ना, ये प्रोफेसर साहब हैं, आप मुझे बताओ कि क्या हिस्ट्री है इसकी। देखो, हुमायूं का मकबरा जो है ना, उसके बारे में सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ताजमहल जो बनाया गया था, हाँ जी, ताजमहल एग्जैक्ट अब बना है, लेकिन उससे पहले ताजमहल की जो कॉपी है वो इसको कहा जाता है। किसको? हुमायूं के मकबरे को। और हुमायूं जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये बाबर का बेटा था, हाँ जी, हुमायूं ने पहले ही इस जगह की निशानदेही कर दी थी कि मुझे इस जगह दफनाया जाएगा। अच्छा, तो उसका जो बेटा था यानी एम्परर अकबर, हाँ जी, बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था अपने वालिद की याद में। तो अंदर आके कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, अभी बारिश की वजह से कीचकांद हो रखी है यार। सो कीचकान मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, मिट्टी गीली होने की वजह से, पैर भी स्लिप हो सकता है, संभाल के चलना भाई साहब। तो ये इसके सामने का व्यू है कुछ ऐसा, आप देखोगे यहाँ से एंट्री होगी मकबरे के लिए। ऐसे मौसम में तो मकबरा घूमने का एक अलग ही मज़ा आएगा। आज पहली बार मैं मकबरा आया हूँ, फर्स्ट टाइम, तो और ऐसे मौसम में आया हूँ तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। बाकी अंदर जाके देखते हैं भाई कैसा रहता है। और ये भाई साहब अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, ये अच्छा टाइम लैप्स बना रहे हैं भाई जान। सो गाइस, ये अब पहली नज़र हमारी पड़ने वाली है, यहाँ से ये एंट्री होगी एकदम सामने मकबरे के। ओ हो वाह 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 यार, कितना प्यारा लग रहा है यार ये।
ये जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना गेट पे, वहाँ पर ये लगा हुआ है पूरा। इसमें सब कुछ डिटेल्स में है कि ये कब बना है, उसके अंदर कितने कब्रें हैं, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पर है। यार ये इस मौसम के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पर पॉजिटिव सी। और बात करूँ सुकून की तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून है इधर, बहुत ज़्यादा। संडे में इतनी ज़्यादा भीड़ है लेकिन बहुत सुकून है इधर। ये देखो यार लग भी रहा है एकदम ताजमहल की तरह। ये देखो यार ये है ऊपर जाने का रास्ता। ओ भाई साहब सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं और सीढ़ियों का गैप भी बहुत है यार। ओह फाइनली ये ऊपर का व्यू है कुछ, और यहाँ से आपको सनसेट का व्यू भी मिलेगा भाई। देखो ये है कुछ ऊपर का व्यू। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं बंद होने वाला है ये। अभी ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि ये बंद होने वाला है, आप थोड़े से लेट हो गए। तो वक्त रहते हैं हम अंदर चलते हैं मकबरे के अंदर, यहाँ से एंट्री होगी उसके बाद जाने नहीं देंगे ये लोग। तो चलते हैं अंदर, और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है भाई। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और हमारे सामने है इस वक्त हुमायूं की कब्र, और कब्र के पास हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही गंदी सी चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर शूज़ पहन करके लोग बिल्कुल कब्र के पास टहल रहे हैं। एक अजीब ही मंजर है यार। खैर अभी किसी से क्या ही कहा जाए, पता नहीं कैसे कैसे माइंड के लोग आते हैं। बट आप देखो इस चारों तरफ से जालियाँ बनी हुई हैं जहाँ से रोशनी आती है और यहाँ से बहुत ठंडी हवा भी आती है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अंदर अभी हम दोनों ही बचे हुए हैं, सारे लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि हम अभी अभी आए थे। तो भाई साहब टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं, तो उससे पहले ये सबको निकाल दे रहे हैं। तो ये दूसरे रूम में कुछ कब्रें और हैं, और ये है किसी लेडीज़ की कब्र, और उसकी पहचान ये है, ये कब्र के ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है तख्ती टाइप की, ये एक निशानी है कि ये किसी लेडीज़ की कब्र है, और ये बराबर वाली शायद किसी बच्चे की या किसी जेंट्स की है। सो अभी बाहर चलते हैं हम क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और असल में हम थोड़ा सा खुद लेट हो गए थे बारिश की वजह से। खैर ये शायद मुझे कोई गुफा लग रही है जिसको काफ़ी टाइम से बंद करके रखा हुआ है, आई थिंक ये गुफा ही है। तो अभी घर वापसी कर रहे हैं हम लोग, टाइम होने वाला है 6:30। टाइम तो खैर खत्म हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापसी कर रहे हैं। गद्दारी कर बे। ये लोग हमको भाई साहब बड़ी इज्जत के साथ सीटी बजा बजा के निकाला है। अब इज्जत लगा इसके दादा की जमीन नहीं है, दादा की जमीन। दादा अगर हमारे जिंदा होते कभी चाहते कि हम यहाँ से 6:30 बजे चले जाएं, रात के खानों को पूछते, सारी चीज़ों की तमाम होती है। देखो सलाम पेश करके आया हूँ। खैर अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम बाहर आ गए, बिल्कुल एग्जिट हो गए गेट से, बिल्कुल गेट के बाहर आ गए। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है, रात मतलब कि शाम हो चुकी है, और अभी घर जाने का वक्त हो चुका है। तो गाइस हम फाइनली घर आ चुके हैं, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और यार अगर अच्छा लगा है तो यार कॉमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे ही ब्लॉग बनाने की, तो बताना। फिर हम मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। चलो।